तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर एक ऑफिस का एनवायरनमेंट दिखाया जाता है और सभी के सभी अपने काम में बिजी होते हैं अपने लैपटॉप में। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने चश्मा पहना होता है और वो भी अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, मगर वो अचानक से कुछ ऐसा देखता है जिससे वो अचानक से चौंक जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि लैपटॉप का जो कर्सर होता है वो लैपटॉप से बाहर निकल रहा होता है और इस चीज को देख के ये आदमी काफी चौंक जाता है कि ये कैसे हो रहा है। वो बार बार कर्सर को अंदर और बाहर कर रहा होता है। फिर इसी चीज को चेक करने के लिए वो माउस के कर्सर को एक गिलास पे लेके जाता है। जैसे ही वो क्लिक करता है तो वो गिलास टेबल पे गिर जाता है जिसमें पानी होता है और इसी चीज से बाकी लोग भी इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वो बाकी सबसे माफी मांगता है और अपनी टेबल साफ करता है। अब उसके फेस पे काफी खुशी सी दिखती है। अब अगले पल ये ऐसा करता है कि उसके डेस्क पर लेट आने की पनिशमेंट से रिलेटेड फाइन वाला एक लेटर होता है जिसके अकॉर्डिंग उसको कुछ फाइन पे करना होता है ऑफिस वालों को, जो कि उसकी सैलरी से कटेगा। वो इसी लेटर के ऊपर कर्सर लेके जाता है जो कि अब एडिटेबल मोड में आता है और इस लेटर में चेंजेस करके वो ये लिख देता है कि उसी को कंपनी वालों को कुछ पैसे देने हैं जो कि मंथली सैलरी में ऐड हो के आ जाएंगे। और जैसे ही ये चीज चेंज हो जाती है वो लेटर को उठाता है और हंसने लग जाता है और इसी ये हंसी की आवाज बाकी लोगों को भी आ रही होती है, जिसके बाद वो दोबारा से इस चीज की माफी मांगता है और फिर बाकी सब अपने काम में वापस से लग जाते हैं। इसी चीज को और चेक करने के लिए वो अपना लैपटॉप अपने रूम से बाहर लेके जाता है, जहाँ दूसरे रूम में एक लड़की बैठी होती है लैपटॉप पे काम कर रही होती है। वो उसके सामने बैठ के लैपटॉप पे काम करने का दिखावा करता है और उस लेडी को साइड में देख रहा होता है। वो अपने लैपटॉप में से कर्सर बाहर की तरफ लेके जाता है और सीधा उस लेडी के पैरों की तरफ लेके जाता है और उस कर्सर को सीधा उसकी ड्रेस के अंदर घुसेड़ देता है। अब जैसे जैसे वो लैपटॉप पे अपनी उंगली को क्लिक कर रहा होता है या फिर आगे पीछे कर रहा होता है, उसी तरीके की प्रतिक्रिया उस औरत को अपने इनर पार्ट में महसूस हो रही होती है, यानी कि वो सिड्डियों से हो रही होती है। वो बंदा इसी तरह से लगा रहता है अपने लैपटॉप पे और लेडी काफी हैवीली काफी भारी सांसें ले रही होती है। इसी के बाद वो जब ज्यादा सिड्डियों से जाती है तो उठ के सीधा बाथरूम की तरफ भाग जाती है। अब इसी चीज को वो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहता था। वो अपने एक फ्रेंड को बुलाता है और सीधा छत पे चले जाता है। वो अपने फ्रेंड को दिखाता है सामने लगे बोर्ड पे जहाँ पर वो उसके लेटर्स चेंज करके दिखाता है। इसी चीज को देख के उसका फ्रेंड काफी चौंक जाता है और खुश हो जाता है। अब वो उसको बोलता है कि सामने पड़ी हुई कार को छोटी कर दे और ठीक वैसा ही करता है, उस कार को बिल्कुल छोटा कर देता है जैसे कि वो खिलौना हो। इसको देख के उसका दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो बोलता है कि इस चीज के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम यकीन नहीं मानोगे। इसी के बाद लैपटॉप वाला बंदा एक दीवार की कॉपी लेता है और एक विंडो को हाइड कर देता है। इसका दोस्त उससे बोलता है कि इसके जरिए तो हम टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। हम किसी बैंक के मैनेजर को डरा भी सकते हैं कि अगर तुमने हमको पैसे नहीं दिए तो हम इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये सब चीजें सुनने के बाद ये बंदा अपनी दोस्त की तरफ बहुत ही अजीब नजर से देखता है क्योंकि उसको ये सारे आइडियाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे होते। दूसरी तरफ उस कार का ओनर वहां पर आता है, अपनी कार को ढूंढता है। जहां वो चारों तरफ देखता है उसको कार नहीं दिखती, मगर जब वो नीचे देखता है तो पाता है कि एक खिलौने की शेप में एक कार बिल्कुल उसकी जैसी दिखने वाली कार वहां पड़ी है। अब उस लैपटॉप वाले बंदे का दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और अपने आइडियाज बार बार बोल रहा होता है चिल्ला चिल्ला के कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बंदा होता है वो उससे काफी बोर हो जाता है और उसको किसी तरह वहां से हटाना चाहता है या फिर चुप कराना चाहता है। तो वो उसके ऊपर अपने कर्सर से एक सिलेक्शन बनाता है ताकि उसको वो वहां से गायब कर सके। इसी दौरान उसका दोस्त ये बोल रहा होता है कि अगर हमारे पास कोई अटैक करने भी आएगा तो हम उसको एकदम से डिलीट कर देंगे, और यही चीज इस बंदे के दिमाग में चल रही होती है। वो उसको सेलेक्ट करता है और कंट्रोल एक्स दबा देता है, मगर ये बंदा गलती से उसको सेलेक्ट करता है तो उसका हाथ उस सिलेक्शन से बाहर निकल आता है और इसी वजह से उसकी पूरी बॉडी तो गायब हो जाती है, सिर्फ हाथ वहां रह जाता है और वो हाथ हवा में होता है जिसके जरिए वो सीधा नीचे जाके गिरता है और उसी चीज को नीचे खड़े हुए लोग नोटिस कर लेते हैं। अब यहाँ पर लैपटॉप वाला बंदा एकदम से नीचे देखता है घबराहट में कि ये उससे क्या हो गया। नीचे वाले लोग भी उसको नोटिस कर लेते हैं कि ऊपर इसी बंदे ने इस बंदे को मारा होगा। फिर इसी घबराहट में वो उन सब लोगों को भी सेलेक्ट करता है और वहां से उनको डिलीट कर देता है। यहाँ पर ये लोग वो हाथ और कार सभी चीजें गायब हो जाती है। अब ये बंदा काफी घबराया जाता है, अपने लैपटॉप को बंद करके नीचे चले जाता है और मेन रोड पे आ जाता है। इसका लैपटॉप इसके हाथ नहीं होता है, काफी घबरा के इधर उधर देख रहा होता है। सामने से कार आती है जिससे वो लिफ्ट मांगता है। फिर वो उस बंदे से लिफ्ट मांग के बोलता है कि उसको वहां तक छोड़ दे, मगर जो बंदा गाड़ी के अंदर होता है वो उसको बोलता है कि नहीं आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मैं नहीं जा सकता जहां पर इस बंदे को जाना था। मगर जो लीड कैरेक्टर होता है वो उसको यही बोलता है कि तुमको जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुमको दूंगा, मगर फिर भी वो ड्राइवर नहीं मानता और वो अपनी कार को चला के ले आता है। पीछे से इसी चीज को देखकर लैपटॉप वाले बंदे को गुस्सा आता है, वो लैपटॉप खोल के उस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है, मगर इतने में कार निकल चुकी होती है। फिर वो आगे की तरफ चलता है, आगे उसको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है जहां पर वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा कर्सर उसकी तरफ चारों तरफ घूम रहा है, वो काफी ज्यादा डर जाता है।
फिर वो मुड़ के देखता है तो वो ही पाता है कि रोड पे बिल्कुल सामने उसके वो एरो खड़ा हुआ है जो कि उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर वो कर्सर पूरी तरह उसके ऊपर आ जाता है और जैसे ही उस कर्सर के थ्रू कोई क्लिक करता है तो ये बंदा बिल्कुल पिस जाता है, पूरी रोड पे खून खून हो जाता है। इस बंदे को मारने के बाद ही कर्सर घूमता है और गायब हो जाता है। यही है पूरी कहानी इस शॉर्ट फिल्म की, और जरूर से बताइएगा कि इससे आपने क्या सीखा। इस तरह की वीडियो के लिए देखते रहें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।